खरगोन जिले के भिकन गांव में जनपद के ग्राम पचम्बा में कई वर्षों से रहने वाले ग्रामीणों द्वारा वर्षों से की जा रही पट्टे की मांग को लेकर एक बार फिर आक्रोश दर्ज कराया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर पट्टों की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में पक्षपात कर रही है, अन्य गांवों में पट्टे दिए जा रहे हैं लेकिन हमें वर्षों से निवास के बाद भी पट्टे नहीं मिल रहे। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि पट्टे नहीं मिले तो वह मतदान का बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। बिकन गांव से, बिकन गांव तहसील से, खरगोन जिले से और पिपलिया पंचायत से, मोहल्ले के नाम पचम्बा है। हम पचम्बे में मतलब निवास करते हैं और वहां से हम पट्टे की मांग करने के लिए आए। हम पिछले 40 से 50 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक कोई पट्टा प्राप्त नहीं हुआ। जब देखो जब हमें डर लगा रहता है कि अपन आबादी में कब हमारे साथ क्या हो जाए, इसलिए हमने 200-250 जने ने सब ने मांग करी है और हमने बिकन गांव 3 बार का हमने आवेदन दिया है। वहां से हमें बस बोल देते कि अब हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, उस साल हो जाएगा लेकिन कोई हुआ नहीं। इसीलिए हम खरगोन में बड़े साहब के वहाँ आए हैं कि शायद हम गरीबों की आवाज ये सुनेंगे और हमारे को न्याय दिलाएंगे, हमें पट्टा चाहिए। परिवार के लोग हम 250 जने परिवार के लोग हैं, हम 250 लोग हैं यहाँ के और सारे जने आए इसी पट्टे के काम के लिए और सभी सारे लोग आए हमारे साथ। महिला विधायक भी है? महिला विधायक तो हमारे यहाँ कभी आए नहीं और हमने उनको देखा नहीं, हमारी कॉलोनी में तो कभी नहीं आए वो। पट्टे नहीं मिले तो क्या? पट्टे नहीं मिलेंगे तो हम वोट नहीं देंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम कोई वोट देने नहीं जाएंगे। चुनाव के टाइम पे हमारी जनता को याद किया जाती है, एक एक घर में जाके, एक एक घर में जाके हमें ढूंढ ढूंढ के पर्ची देते हैं कि आप वोट देने जाओ। पट्टे के टाइम पे हमें वोट क्यों नहीं दे रहे? पट्टे के टाइम पे हमें क्यों नहीं पट्टा दिया जाए? हम क्या भारत के निवासी नहीं है? हम क्या यहाँ के रहने वाले नहीं है क्या? हमें पट्टे चाहिए बस। सेवंती गोलकर है, पिपलिया पंचायत से हूँ, ग्राम पंचायत में रहती हूँ और पिपलिया की निवासी हूँ मैं। सर हम तहसील भिकन गांव से हैं, ग्राम पचम्बा पिपलिया बुजुर्ग के रहने वाले हैं। हमारे को पट्टे का वितरण अभी तक नहीं किया गया है, हमें सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं कि पट्टे देंगे, पर आज से हम 40 से 50 साल से पचम्बे में रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी रह रहे, पर आज तक हमें पट्टे का लाभ नहीं मिला। हालांकि हमारे यहाँ आंगनवाड़ी बाकी सभी सुविधा है, सिर्फ हमें पट्टे नहीं वितरित किए जा रहे हैं। तो आखिर ये सौतेला व्यवहार हमसे क्यों किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है कि जो 10 साल से जो जमीन पे निवास कर रहा है उसको पट्टे दिए जा रहे हैं, तो हम 40 से 50 वर्ष से रह रहे हैं तो हमें अभी तक पट्टे क्यों नहीं दिए गए? क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि हमको पट्टे नहीं दिए तो हम चुनाव का विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम लिखा जी? मेरा नाम है आरिफ, हम भिकन गांव ग्राम पचम्बा पिपला बुजुर्ग भिकन। पट्टे की मांग कर रहे थे, पट्टे की मांग न होने के चलते चुनाव के बहिष्कार को वोट भी लगा। हाँ, ये लगभग भिकन गांव तहसील के पचम्बा ग्राम के 40 परिवार के द्वारा मांग की गई कि वो शासकीय भूमि पर पिछले 25 से 30 वर्षों से निवासरत है और उनको अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है आबादी नहीं होने से, तो उनके ज्ञापन आज इनके द्वारा दिया गया है। ज्ञापन का परीक्षण करके उसमें आवश्यक जो भी मुख्यमंत्री को अधिकार योजना के तहत कार्रवाई करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित SLR को निर्देशित किया गया है। वो तो तत्संबंध में संबंधित तहसीलदार SDM से आबादी घोषित करने संबंधी प्रस्ताव की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।